आज अगर स्वर्गीय राहुल गांधी जी नहीं होते, आज मैं कहना चाहता हूं कि पूंजी राहुल जी की विजय पूंजीपतियों की हार है और बीजेपी की हार है, याद रखिएगा। राहुल जी की विजय पूंजीपतियों की हार है और बीजेपी की हार है, याद रखिएगा। तब तक जुल्म को समाप्त करने के लिए भगवान राम का आगमन होता है और आज फिर से हमें लगता है भगवान राम के प्रतीक हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी दोबारा मजबूती के साथ देश के सेवा करने के लिए वो आ गए हैं और ये अदानी और अंबानी की आवाज़ बनेंगे राहुल जी, गरीब की आवाज़ बनेंगे राहुल जी, सदन में भी बनेंगे। अगर राहुल गांधी जी अगर अदानी अंबानी के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते तो उनकी सहजता नहीं जाती। आज मैं कहना चाहता हूँ कि पूंजी राहुल जी की विजय पूंजीपतियों की हार है और बीजेपी की हार है, याद रखिएगा। मैं कहना चाहता हूँ भाजपा वाले सुन लो, ये सुप्रीम कोर्ट का जो मैंडेट आया है ये असत्य पर सत्य की जीत है, जनता की जीत है, एक एक लोगों की जीत है, गरीब लोगों की जीत है और देश में पूरा जश्न मन रहा है। आप क्या सोच लिए, गांधी परिवार को क्या आप कुचल दीजिएगा? इतना है हिम्मत आप लोग में? आज हिंदुस्तान अगर खड़ा है, आज हम लोग यहाँ खड़े हैं, आज सारे मीडिया वाले अगर आप लोग दिखा रहे हैं तो ये गांधी परिवार का देन है। आज अगर स्वर्गीय राहुल गांधी जी नहीं होते तो ये डिजिटल कैमरा नहीं होता, सबके हाथ से मोबाइल नहीं होता। राजीव गांधी स्वर्गीय राजीव गांधी की बात कर रहा हूँ, एक मिनट मिस्टेक सुनिए, स्वर्गीय राजीव गांधी की देन है, स्वर्गीय राजीव गांधी बोल रहा है, आप लोग गलत सुन रहे हैं, स्वर्गीय राजीव गांधी की देन है, ये कैमरा भी राजीव जी की देन है, आप लोग भी राजीव जी की देन है और मोदी जी जो सेल्फी ले रहे हैं ना ये भी स्वर्गीय राजीव जी की देन है। तो मैं कहना चाहता हूँ देखिए आज इतना खुशी हुई है और भारत जोड़ो यात्रा अगर नहीं होता ना तो ये लोग राहुल जी को ये नहीं करते। तो फिर से मैं कहूँगा भारत जोड़ो यात्रा फिर से चलेगा। सर तो सिर्फ अभी राहत मिला है या फिर सदन में भी शामिल होंगे राहुल गांधी जी? क्या सदन? बिल्कुल बिल्कुल सदन में शामिल होंगे, सदन में शामिल होंगे। इरफान जी ये बोल रहे हैं कि राहुल गांधी को उन्होंने पप्पू कह करके कहा है और कहा है कि कौन सीपी सिंह जी ने कहा है कि पप्पू एक बार फिर से सदन में जाकर के आंख मारेंगे, सीपी सिंह का बयान है। देखिए हमको गुस्सा मत दिलाइए, फिर अभी देखिए सदन में जो हंगामा फिर क्रॉप करेगा ये लोग, हम बार बार बोल रहे हैं, उनका बयान बार बार बोल रहे हैं, सुनाना है। ये सुनिए आप, उसके बयान पर हम लोग कोई कमेंट नहीं करेंगे। सीपी सिंह जो है, सुनिए भाजपा कह रही है कि जहां कांग्रेस जीत जाती है वहां ईवीएम ठीक हो जाता है, जिस अदालत से कांग्रेस के पक्ष में फैसला हो जाता है तो अदालत ठीक हो जाती है, नहीं तो सब पे उंगली उठती है। अच्छा सुनिए आज इस विषय पर नहीं सर, आज इस विषय पर नहीं, आज तो सुप्रीम कोर्ट ने जो लड़ते झगड़ते रहेंगे। देखिए मैं बीजेपी के नेताओं को कहूंगा कि बड़ा दिल दिखाइए और राहुल जी को बधाई दीजिए और राहुल जी का पैर पकड़िए।